धीरे धीरे जॉगिंग शुरू कीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लीजिए। मुट्ठी कस के बंद करिए टाइट। चलिए शुरू कीजिए लंबी गहरी सांस के साथ। तेज लंबी गहरी सांस लेनी है, मेन अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जितनी लंबी गहरी सांस लोगे उतनी ही लंबी गहरी आपको छोड़नी है। दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, दोनों हाथों को बांध लीजिए। चेहरा सामने की ओर रहेगा, केवल दोनों हाथों को खींच रहा है। फिर से दोनों हाथ सामने ले जाएंगे। अब पाद हस्तासन करेंगे, दोनों पैरों को मिला लीजिए। 2 से 3 इंच का गैप रखिएगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और पैरों को छूना है। चले दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ सीधे कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, कान से हाथ को चिपकाएंगे और धीरे धीरे दिखे। सभी कमर सीधी कीजिए, दोनों हाथ सीधे कीजिए। अब हम प्राणायाम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए अब सीधे हाथ की उंगली को लीजिए, अपने उसी तरफ से नाक को बंद कर लीजिए। एक तरफ से सांस लेनी है और उसी तरफ से छोड़नी है। हाथ सीधा रखिए अपना, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, धोपनी आसन करेंगे और झटके से सांस को छोड़ना। ये आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद एकदम आराम की स्थिति में आ जाइए।
अपने हार्ट बीट चेक कीजिए। अपने ब्रेन को महसूस कीजिए, दिमाग को महसूस कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब यही क्रिया दोनों हाथों को सामने लेके आइए, गर्दन ऊपर की ओर और साथ करने। फिंगर खोल लीजिए, सारी उंगलियां खोल लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अब सभी लोग अनुलोम करेंगे। सीधे हाथ के थंब को उठा लीजिए, थंब को टच कीजिए, अंगूठे को। रिलैक्स करेंगे। अब की बार हाथों को नहीं हिलाना है, दोनों हाथों को सीधे एक दूसरे को देखिए। तेजी से हंसिए। पड़ोसी को देखिए और तेजी से हंसिए। रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब जैसे लड़ाई हो जाती है ना, है ना, सीधे हाथ की ऐसे कोई आपको उंगली दिखाए तो उंगली दिखाते ही ना आपका तनतनापन तेज हो जाता है। जिसको मारने पीटने की बात ना हो वहां ना थाने दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसे क्या करना है, पड़ोसी को उंगली दिखानी है और स्थिति ऐसी है कि वो यहाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। उंगली दिखानी है और जोर से हंसना है। किस लिए हंसना है? इसलिए हंसना है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप उसको उंगली दिखा रहे हो। ठीक है, ऐसे करते हो। रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। अब आप सभी को एक दूसरे को प्रणाम करते हुए कि आप यहाँ आए एकत्रित हुए और सभी को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ते हुए नमस्कार नमस्कार करते हुए तेजी से हंसना। नमस्कार 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 रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी श्वास, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। 3 मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे, सिर्फ 3 मिनट के लिए। कोई आवाज़ नहीं, कुछ शोर शराबा नहीं। सभी लोगों को आंखें बंद कर लीजिए, सभी आंखें बंद कर लीजिए, एकदम शांत। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्सः तश्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम, दोनों हाथ गर्म कीजिए और अपनी आंखों पे लगाइए।
संचालक विजय जी भाई साहब जो मुख्य शिक्षक हैं शाखा के सभी उपस्थित बंधुओं मातृशक्ति, आज पूरा देश योग दिवस के रूप में मना रहा है। हमारी ये विद्या या विधा कुछ भी कह सकते हैं, एक समय विलुप्त हो चुकी थी। कुछ लोगों के समृद्ध लोगों के ड्राइंग रूम की बुक शेल्फ में पुस्तक के रूप में विराजित होकर शोभायमान रह गई थी। हम लोग भूल चुके थे। इसके अंदर ज्ञान विज्ञान दोनों छिपा हुआ है, दैहिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों ही इसके करने से मिलते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास हो रहा है यदि व्यक्ति का, तो योग से जुड़ना बहुत जरूरी है। योग का मतलब ही है जुड़ना। मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने इस हमारी विद्या को या विधा को पूरे विश्व में स्थापित किया। आज लगभग 125 से ऊपर देश योग दिवस को मना रहे हैं और हमारे इस संस्कृति की अनुपम धरोहर को उन्होंने अपनाया है। यानी इस देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होता जा रहा है धीरे धीरे हर क्षेत्र में। जब से मोदी जी आए हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, हकीकत बयान कर रहा हूं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश और देशवासियों का स्वाभिमान और सम्मान बहुत बढ़ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी कुछ दिनों पहले योगी जी ने हमको नीदरलैंड और पेरिस भेजा था, सरकारी काम था,
कुछ इन्वेस्टर्स से मिलना था, तो हमारे जीजाजी भी 15-20 साल पहले पेरिस गए होंगे। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स के उस समय इंदौर यूनिवर्सिटी। उन्होंने मुझे फोन करके कहा पेरिस जा रहे हो, वहां पर भारतवासियों को बड़ा उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, जब कहोगे तुम वी आर इंडियन या वी आर फ्रॉम इंडिया तो ऐसे देखेंगे हिकारत की दृष्टि से। ये उस समय का भारत था। मैंने कहा जो भी हुआ मैं भेजा जा रहा है हम जाएंगे। तो मैं गया, जो जिनको चल कर आ रहे हैं कमजोरी हुए तो एक बार
सबसे बढ़िया होता आवाज भी आती है, हाँ 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 इस तरह से वो कराएगा सरदार वहाँ पे कुछ जो फोटो वैसे है ना वो तो आती है मुझे भेज देना उसे। अच्छा मिल भी भाई आ रही ठीक है ठीक है। एमएस कर दिया जाए भाई साहब पिछले वो मैं सुनो जिम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा अगर ये योगा नियमित कर दिया जाए तो। पैसे तो सब करने की जरूरत ही नहीं है। सर इंटरनेशनल योगा डे पर आज आगरा किला में आप आए हैं, योग किया है, क्या कहना चाहिए? आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी की देन है कि पूरा विश्व हमारी उस विधा और विद्या का अनुगमन कर रहा है, अनुयायी हो रहा है जो कि दैहिक और आध्यात्मिक यानी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकसित करती है व्यक्तित्व को। और इसके होने से भारत का विश्व गुरु बनने की और एक क्रम में आगे बढ़ चुका है क्योंकि आज 125 से अधिक देश इसका अनुगमन कर रहे हैं। पहले ये विद्या हमारी या विधा हमारी कुछ संपन्न परिवारों के ड्राइंग रूम में एक बुक्स की अलमारा में रख कर शोभायमान होती थी, लेकिन अब जन जन तक पहुंची है। इसके लिए मोदी जी को हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद। सर आगरा किले में योगा किया, क्या संदेश दिया यहाँ? आगरा किला में योगा का हम लोगों ने किया है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी और ASI के कोलैबोरेशन से हुआ है। ये एक इस बात का संदेश है कि आगरा किला जिसने कभी हुकूमत की थी इस देश में उसके माध्यम से वहाँ पर जो कर रहे हैं तो पूरा आगरा उसको फॉलो करें।